और आज 1 अक्टूबर है और आज से कई अहम बदलाव होंगे। कई बदलाव ऐसे हैं जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाएगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है। बता दें आपको कि 19 केजी वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,691.50 रुपए की हो गई है। वही 1,740 रुपए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार सब्सिडी देगी। पीपीएफ एनएससी की ब्याज दर नहीं बढ़ाई गई है। बता दें आपको कि पॉलिसी सरेंडर करने पर रिफंड ज्यादा मिलेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज से कई सारे बदलाव किए गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है। 19 केजी वाले सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी गई है। और बात कर ले तो दिल्ली में 1,691.50 की जगह अब ज्यादा पैसे देने होंगे, यानी कि 1,740 रुपए आपको देने होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार सब्सिडी देगी। वहीं पीपीएफ एनएससी की ब्याज दर नहीं बढ़ाई गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पॉलिसी सरेंडर करने पर रिफंड ज्यादा मिलेगा। और सियासी गलियारे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान आया, आरक्षण को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि चाहे मैं किसी भी गठबंधन में रहूं या किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान के साथ और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा जैसे मेरे पिता ने मारा था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां चिराग पासवान की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर प्रखर होकर उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि अगर इस तरह की नाइंसाफी मुझे कहीं भी नजर आएगी, जहां संविधान के खिलाफ किसी तरह का काम हो रहा हो, तो मैं तुरंत ही मंत्री पद को छोड़ दूंगा जैसे मेरे पिता ने छोड़ा था। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ये वादा आप लोगों से करते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन में हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा, तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लात मारने से पहले। अगर विजय मिलेगा तो किसी और। 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी की स्थापना होनी है और इससे पहले जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बिहार में विकल्प लाना, ताकि लोगों को राजनीतिक बदुआ मजदूरी से छुटकारा मिले। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि 2 अक्टूबर को ही पार्टी की औपचारिक स्थापना के साथ पार्टी के नाम, संविधान और प्रावधान के साथ ही पार्टी के लीडरशिप के बारे में घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि उन्हें दल का नेता नहीं बन